गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, जो स्टार्ट किया था टॉपिक, दैट इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन मीन्स नो मोर रेजोनेंस। लास्ट टाइम हमने कुछ चीज के बारे में डिस्कस किया था, व्हाट आर दी हाइपर कंजुगेशन। हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है। दी ओवरलैपिंग बिटवीन between sigma and pi orbital is known as hyper conjugation। उसको क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। इट मीन्स सिग्मा और पाई ऑर्बिटल के बीच के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है, दैट आर कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। और लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर भी बना के डिस्कस किया था। हाइपर कंजुगेशन आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस व्हाई वी कॉल्ड इट नो बॉन्ड रेजोनेंस? हम इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, ये हम स्ट्रक्चर से देखते हैं। C H H H, when any alkyl group directly attach with unsaturated system, this is unsaturated system। जब भी कोई alkyl group किसी unsaturated system के साथ attach होता है, that show hyper conjugation। और no bond resonance हम क्यों कहते हैं? Because there is रिजोनेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल। सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल मीन्स यहां सिग्मा ऑर्बिटल है, दैट इज पाई ऑर्बिटल शिफ्ट हियर। जब आप इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे, दैट इज एच पॉजिटिव कार्बन एच एच सी एच सिंगल बॉन्ड CH2 negative। अब आप यहां पे देखो, इट इज नो एक्चुअल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के अंदर कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है ये पूरी तरह से इससे अलग है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई हाइड्रोजन कार्बन से पूरी तरह अलग है, डिफरेंट है, नॉट डिफरेंट, बट एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं है, therefore it is called no bond resonance। इसीलिए हम इसको कहते हैं no bond resonance। Higher the number of hyperconjugative structure of any alkene and any other compound like carbocation, free radical, carbonion, कोई भी radical के जितने ज्यादा या फिर किसी भी compound के जितने ज्यादा hyperconjugative structure होंगे, that are more stable, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा जिसके जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। एंड हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आर रिलेटिव टू दी अल्फा कार्बन। इट मींस नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर depend upon the number of hydrogen atom attached to alpha carbon of CH double bond CH2 group। इसका मतलब इस ग्रुप से जो अल्फा कार्बन होगा उसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, दैट आर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर हम इसका डिस्कस करें CH3 CH double bond CH2। अब ये ग्रुप है, इसके साथ अल्फा कार्बन है, जो दैट आर अल्फा कार्बन। इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, दैट आर थ्री हाइड्रोजन
केस ऑफ सी एच टू इथाइल ग्रुप अटैच टू सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू इट शो ओनली टू हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर. ये दो कैसे दिखाएगा? अब ये ग्रुप है, इसके साथ हाइपर कार्बन ये अटैच है, इस अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? दैट आर टू. दो अल्फा कार्बन है, सॉरी अल्फा कार्बन के पास दो हाइड्रोजन एटम है, देयरफॉर इट हैज टू हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर. इसीलिए इसके दो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके तीन हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है. मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज एल्की. एप्लीकेशन में आता है इसकी Which alkene is more stable and why? Application of hyperconjugation. Application में क्या है hyperconjugation की? Determine the stability of alkene. Alkene की stability के लिए हम hyperconjugation का concept लगा सकते हैं. For example, हमारे पास बहुत सारे alkene हैं, CH3, 2 डबल बॉन्ड CH3. अनदर एल्कीन हमारे पास है नेगेटिव नंबर दैट आर CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3. थर्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH. इसी तरीके से और भी हो सकती हैं. अब अगर आपको इनमें कंपेयर करना हो विच एल्कीन इज मोर स्टेबल एंड व्हाई, आप कैसे कंपेयर करोगे? अब यहाँ पे देखो दैट आर दिस ग्रुप, ये ग्रुप है, इसके साथ अल्फा कार्बन कितने हैं? इट इज आल्सो अल्फा, ये अल्फा, और जो दूसरा मिथाइल ग्रुप है वो भी अल्फा कार्बन है. अब अल्फा कार्बन के साथ टोटल कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 3, 3, 3, 3 मींस 12 हाइड्रोजन जुड़े हैं. इसका मतलब इसके 12 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है. मोर द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल इज द एल्कीन. सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगी? 1, इसके 9 हैं, ये सेकंड नंबर, इसके 3 हैं ओनली, देयरफॉर इट इज थर्ड नंबर. अगर आपको ऑर्डर लिखना हो, फर्स्ट एल्कीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंड एज कंपेयर टू थर्ड. दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन. इन द सिमिलर मैनर टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटायन हाइपर कंजुगेशन इज वेरी यूजफुल. और नेक्स्ट टॉपिक इज इंडक्टिव इफेक्ट. व्हाट आर द इंडक्टिव इफेक्ट? क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ऑफ अ एटम इन द मॉलिक्यूल व्हेन द कोवलेंट बॉन्ड और सॉरी पोलर बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल थ्रू द चेन. इट मींस अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी ऐसा पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो, पोलर कोवलेंट बॉन्ड का मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाना इन अ मॉलिक्यूल थ्रू चेन, इस कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. सबसे पहले तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए और उसके अंदर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है थ्रू चेन, दैट आर कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है दैट आर क्लोरीन, इट मींस 1 क्लोरो प्रोपेन, हमारे पास
यहां से भाई देर आर पार्शियल पॉजिटिव एंड देर आर पार्शियल नेगेटिव, ये इसके पास से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इसके पास से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये इसके पास से अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड वन एटम, एक एटम की तरफ थ्रू अ चेन, चेन के थ्रू, दैट आर कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन पोलर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होना चाहिए, देयर मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो एटम के बीच होना चाहिए इन द मॉलिक्यूल, दैट शो द इंडक्टिव इफेक्ट। वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट हैं, दैट आर प्लस आई एंड माइनस आई। टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास प्रेजेंट हैं, दैट आर प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट किसके अंदर होता है, प्लस आई इफेक्ट उनके अंदर होता है दैट एटम विच हैज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी लेस देन हाइड्रोजन एटम, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी हाइड्रोजन एटम से कम होगी उनमें प्लस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट किसमें होता है, that atom which has electron accepting capacity more than hydrogen atom, इसमें मोर देन होगी हाइड्रोजन एटम से। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एमाइन दैट आर एक्सेप्टिंग कैपेसिटी मोर देन हाइड्रोजन एटम, और इनके अंदर हम मेनली एल्काइल ग्रुप लेते हैं, एल्काइल ग्रुप या फिर लैड ग्रुप विच हैज नेगेटिव चार्ज, जिनके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हो उनको हम प्लस आई इफेक्ट के अंदर कंसीडर कर लेते हैं, और माइनस आई इफेक्ट के अंदर हम मेनली कंसीडर करते हैं फॉर एग्जांपल हैलोजन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन क्लोरीन ब्रोमीन इट्स फ्लोरीन दैट आर कम्स अंडर माइनस आई इफेक्ट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की। To explain the acidity of carboxylic acid, to explain सबसे पहली application है, what are the application of inductive effect, inductive effect, application क्या है inductive effect, सबसे पहली application जो हमारे पास है, to explain explain the acidity of carboxylic acid, carboxylic acid inductive effect कैसे explain कर देता है acidity of carboxylic acid, हम इसको हम एक example से समझते हैं। For example हमारे पास तीन कार्बोक्सिलिक एसिड है, उन्हें क्लोरीन Cl2C(OH) वन इज
ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है यहां से, तो ये इसकी तरफ जाएगा। इन दी सिमिलर मैनर OH आफ्टर रिमूविंग हाइड्रोजन इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन होता है। इट मींस बिकॉज ऑफ क्लोरीन एटम प्रेजेंट इन अ क्लोरोएसिटिक एसिड इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और डिस्पर्स कर देता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने का मतलब उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेता है। देयरफॉर इट इंक्रीज द एसिडिटी, ये इंक्रीज कर देता है एसिडिटी को। लेकिन इन दी इसके अपोजिट जो अगर हमारे पास क्लोरीन की जगह कोई ऐसा ग्रुप एसिड के साथ जुड़ा हो जो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ, दैट इंटेंसिफाई दी नेगेटिव चार्ज, वो इंटेंसिफाई कर देता है नेगेटिव चार्ज को एंड डिक्रीज दी एसिडिटी, इंटेंसिफाई द नेगेटिव चार्ज एंड डिक्रीज द एसिडिटी। इट डिस्पर्स इलेक्ट्रॉन विद ड्राइविंग ग्रुप डिस्पर्स कर देता है नेगेटिव चार्ज एंड इंक्रीज द एसिडिटी, वो इंक्रीज कर देते हैं एसिडिटी को। ओके, इस तरह से प्लस आई इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन कर देता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दी सिमिलर मैनर अगर यहाँ एक क्लोरीन की जगह दो क्लोरीन अटैच होते उसकी एसिडिटी इससे ज्यादा होती, अगर दो की जगह तीन क्लोरीन एटम यहाँ पे अटैच होते तो उनकी एसिडिटी और भी ज्यादा होती। अगर आपके पास एक्सप्लेन करना ये आए कि वन इज थ्री क्लोरीन एटम डायरेक्टली अटैच विद कार्बन और एक मॉलिक्यूल के अंदर दो क्लोरीन एटम है और एक के अंदर सिर्फ एक है, विच इज मोर एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा जिसके पास थ्री क्लोरीन एटम है। थ्री क्लोरीन एटम का मतलब उसके पास तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, दैट डिस्पर्स मोर नेगेटिव चार्ज एज कंपेयर टू अदर टू, देयरफॉर इट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू थर्ड वन। ओके, इन द सिमिलर मैनर इफ वी एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ एमीन, अगर हम सिर्फ बेसिसिटी ऑफ एमीन को एक्सप्लेन करें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, दैट ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम दैट इंक्रीज द बेसिसिटी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक प्राइमरी अमीन है, एक सेकेंडरी अमीन है, एक टर्शियरी अमीन है, दैट इज आर एन एच टू, हियर आर आर एन एच एंड आर थ्री एन। बेसिक क्या होते हैं दैट डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर दैट आर बेस अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट ऑफ बेस, जो अपना लोन पेयर डोनेट कर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेस। और इंडक्टिव इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन कर देता है बेसिसिटी ऑफ एमीन को, इट मींस मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन, मोर इज द बेसिसिटी। हियर आर इज अल्काइल ग्रुप, आर क्या है अल्काइल ग्रुप है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट अलोन, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ही एक्सप्लेन करें बेसिसिटी को, तो इन दैट केस टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक बिकॉज इट हैज थ्री अल्काइल ग्रुप, इसके पास तीन अल्काइल ग्रुप हैं एंड अल्काइल ग्रुप आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, दैट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑन नाइट्रोजन इज मोर एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी, देयरफॉर टर्शियरी अमीन इज मोर बेसिक इफ वी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करें
सबसे ज्यादा बेसिक होगा, बिकॉज एल्काइल ग्रुप देयर आर मोर एल्काइल ग्रुप दैट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर ऑन द नाइट्रोजन दैट डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली. देयरफॉर टर्शियरी एमीन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. Our the next topic is comparison between inductive and resonance effect. Inductive और resonance effect के बीच में क्या difference होता है? सबसे पहले अगर हम resonance की बात करें, resonance effect operate in unsaturated system. Unsaturated system के अंदर होता है जो conjugated system के अंदर हो, through pi electron. Conjugated system में होना चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही हो सकता है. लेकिन इसके अपोजिट अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, इट ऑपरेट इवन इन सैचुरेटेड सिस्टम. ये सैचुरेटेड सिस्टम के अंदर भी ऑपरेट हो जाता है. रिजोनेंस इफेक्ट सेकंड पॉइंट है हमारे पास. इट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन बॉन्डिंग एंड पाई इलेक्ट्रॉन. जो डिस्प्लेसमेंट होगा रिजोनेंस के अंदर वो या तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का होगा या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का होगा. ओके, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन. उसके अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है. ओके, थर्ड पॉइंट है हमारे पास. ड्यूरिंग द रिजोनेंस इलेक्ट्रॉन पेयर इज कम्प्लीटली ट्रांसफर लीडिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फुल एंड नेगेटिव चार्ज. हमेशा ही रिजोनेंस के अंदर कम्प्लीटली ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, जो फुल नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज एटम के ऊपर डेवलप कर देते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस फ्रॉम इस पोजिशन. इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कम्प्लीटली ट्रांसफ़र नहीं होता, वो डिस्प्लेस होते हैं किसी दूसरे एटम की तरफ, जो प्रेट स्लाइटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देते हैं एटम के ऊपर. इट लीड रिजोनेंस के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होता, ओनली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. इट ट्रांसमिट रिजोनेंस इट ट्रांसमिट ओवर लार्ज डिस्टेंस विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इंटेंसिटी. जो रिजोनेंस इफेक्ट होता है वो लार्ज डिस्टेंस तक भी ऑपरेट हो सकता है. इसका मतलब ये है अगर हमारे पास लॉन्ग चेन है, चाहे वो 10 कार्बन की चेन हो और 20 कार्बन की चेन हो, अगर उनके अंदर डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है तो वो लार्ज डिस्टेंस तक ट्रांसमिट हो सकता है, लार्ज डिस्टेंस तक. लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट ऐसा नहीं है, ये शार्पली इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है डिस्टेंस के साथ. यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वो डिक्रीज होता है और सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए ही इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट हो जाता है होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इट इज टेंपरेरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ डबल और पाई बॉन्ड, और फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, इन विच द शिफ्टिंग ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द बॉन्डेड एटम. यानी कि मल्टीपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर इलेक्ट्रॉन, या फिर मल्टीपल बॉन्ड के जो शेयर इलेक्ट्रॉन हैं दैट आर शिफ्ट टू दी बॉन्डेड एटम, किसी एक बॉन्डेड एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई दो एटम मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच है और हमारे पास एक अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में अटैकिंग रिएजेंट है. अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस के अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए किसी दूसरे एटम के ऊपर, दोनों में से किसी के ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है, इट मींस वन एक्वायर पॉजिटिव एंड अनदर एक्वायर नेगेटिव चार्ज, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इस
also two type of effect, plus E and minus E, like inductive effect plus I or minus I. दो तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हैं, दैट आर प्लस ई एंड माइनस ई. और प्लस ई और माइनस ई को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? सबसे पहले अगर हम प्लस ई इफेक्ट को एक्सप्लेन करें, व्हाट आर द प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट इन विच shifting of electron pair of multiple bond at which attacking reagent हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंपैरिजन बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है? हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है दैट आर परमानेंट इफेक्ट इन्वॉल्व अ मेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट. लेकिन इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट ये टेम्परेरी इफेक्ट है विच इन्वॉल्व द क्लीवेज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं दूसरे एटम के ऊपर शेयर होते हैं एक एटम के पास. यानी कि मल्टीपल बॉन्ड के जो शेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं. द सेकेंड पॉइंट है
इंडक्टिव इफेक्ट, देयर इज ओनली अ डिस्टोर्शन इन द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब ये डिस्टोर्शन होता है शेप के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं छोड़ती। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर क्या है, जो मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कम्प्लीटली लीव कर देते हैं और दूसरे एटम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। थर्ड जो डिफरेंस है इनके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर, दैट इज़ दी ओनली रिक्वायरमेंट फॉर दिस इफेक्ट टू ऑपरेट इन द प्रेजेंस ऑफ सम पोलर बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। सिर्फ पोलर बॉन्ड होना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि भाई मल्टीपल बॉन्ड हो। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के लिए मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, वो चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो। पोलर नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है, अगर पोलर नहीं है तब भी उसके अंदर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट हो सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर, इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर कोई अटैकिंग रिएजेंट की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है। इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर कंप्लीट सेपरेशन।